डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विधानसभा में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापना व्यय में अनियमितता को लेकर कहा कि रीपा केंद्रों में अपेक्षा के अनुकूल काम नहीं हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा के स्थापना व्यय में हुए अनियमितता को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सवालों के उत्तर दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में नवंबर 2023 तक 300 रीपा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 441 करोड़ 75 लाख रुपए बजट में स्वीकृत किए गए। इसमें राशि 260 करोड़ 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया, वहीं 135 करोड़ 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाना शेष है। प्रदेश में 300 स्थानों पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस तरीके से रीपा ये बना हुआ है। इसमें सदन में आज विषय भी आया था जिसमें खरीदी की प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर, उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कई कंपनियों को हायर किया गया, उस कंपनी को हायर करने की प्रक्रिया, उस यूनिट के लिए खरीदने सामग्री खरीदने की प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं में त्रुटि होना ऐसा पाया गया है। तो जो भी है पहले तो जाँच होनी आवश्यक है किसी भी बात के लिए। यूँ ही आरोप प्रत्यारोप पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता और इसलिए पहले इसकी जांच करा करके और आवश्यकता हुआ तो लोगों को दंडित किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जी के अध्यक्षता में समिति का गठन करके और रीपा के केंद्रों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोसेस उसका क्या हुआ है, इन सभी बातों का ऑडिट करा लेंगे, परीक्षण करा लेंगे और उसके बाद यदि आवश्यकता हुआ तो कार्यवाही अभी उसमें की जाएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।